हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आवर टॉपिक इज एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट। ओके, शिक्षण का मूल अर्थ। शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। हम पहले ये जान लें कि शिक्षा क्या होता है। देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्षा से, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कार एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य होता है शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। देखिए, जो शिक्षा प्रदान करता है, जो टीच करता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता, एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ओके, तो शिक्षा के अर्थ को दो परिप्रेक्ष्यों से समझ सकते हैं। कितने परिप्रेक्ष्यों से? दो से। एक क्या होता है? व्यापक। और दूसरा क्या होता है? संकुचित। अब व्यापक में क्या आता है? देखिए, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, इसमें क्या आता है? यह सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, कौन है? विद्यार्थी है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा क्या है? एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसमें हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ ना कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ ना कुछ देता रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। अब आता है हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ। देखिए, संकुचित अर्थ में क्या होता है? ये केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है और एक अवधि भी होती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो विशिष्ट विषय होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन भी होता है, और तत्पश्चात मानक उपाधि या प्रमाण पत्र भी मिलते हैं। मतलब जो सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्रीज वगैरह होती हैं, वो सब भी मिलती हैं। तो शिक्षा कहीं ना कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रह जाती है। जो संकुचित अर्थ होता है उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें मूल्यांकन भी होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक अवधि होती है, और ये केवल संस्थानों में ही दी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो विशिष्ट विषय होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या मिलता है? देखिए, इसमें प्रमाण पत्र भी मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं इसका जो कक्ष होता है वो केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहता है। ओके, यूनेस्को द्वारा स्थापित डायलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। ओके, किसने दिया है? ये जो यूनेस्को द्वारा स्थापित डायलोर कमीशन है, उन्होंने 1996 में अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। ओके, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के हो सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? ये देखिए, परिवार, समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ
औपचारिक शिक्षा जो होती है वो केवल संस्थान में दी जाती है, जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है औपचारिक शिक्षा में, इसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है और इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। मतलब जो आज की हमारी शिक्षा होती जा रही है वो औपचारिक होती जा रही है, ये केवल इंस्टीट्यूशन में ही दी जा रही है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थान होते हैं, उनमें दी जाती है, शिक्षण संस्थान, टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए शिक्षक की भूमिका भी होती है और इसमें शुल्क भी नहीं देना पड़ता है, और ये पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण शिक्षा क्या होती जा रही है, औपचारिक बनती जा रही है। ओके, अब देखिए हम देखते हैं शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। नंबर वन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा, शिक्षण क्या है, शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। नंबर थर्ड पॉइंट है, शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है, जिससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक अनुकूलन वातावरण तैयार कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा। ओके, नंबर फोर्थ है हमारा पॉइंट, शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों, वेरिएबल्स को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। नंबर सिक्स पॉइंट है, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। क्या पॉइंट है, नंबर वन में क्या बताया कि अधिगम प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण दिशा देता है ये। ओके, और शिक्षण जो है शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। और थर्ड पॉइंट में क्या बताया आपको, इसमें है वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना। फोर्थ है कि योजनाबद्ध गतिविधि है। और नंबर फिफ्थ में क्या है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। एंड नंबर सिक्स है आपका, ये शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे भी समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो देन यू सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करें। थैंक यू।